ब्लूबर्ड सिटी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज एक मरतबा फिर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके साथ जो है डेली बेसिस पर ब्लूबर्ड सिटी की जो अपडेट्स हम आप तक लाते रहते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लूबर्ड सिटी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन जो कि 4 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वैलिड है। और बेसिकली आज हम बात करेंगे अवामी ब्लॉक की, क्योंकि अवामी ब्लॉक के जो मेम्बरान हैं 4.5 मरला के, जिन्होंने फाइलें खरीदी हुई हैं, अब वो बैलेटिंग में जा रही हैं। तो सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद की पेश करते हैं, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर आप मुकम्मल देखें। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करते ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचते रहें। बात कर रहे थे कि जो सोसाइटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें अवामी ब्लॉक जो 4.5 मरला है, अब जो 4.5 मरला के जिन लोगों ने फाइलें खरीदी हुई थी उन तमाम मेम्बरान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी फाइल जो है बैलेटिंग में जा रही हैं, जो कि यकम रमज़ान को बैलेटिंग हो रही है। और यकम रमज़ान को होने वाली बैलेटिंग में उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा जिनकी फाइल्स 50% तक पेड हैं, जिसकी आखिरी तारीख अमाउंट जमा करने की 24 फेब थी, यानी कि 24 फेब तक जिनकी अमाउंट पेड है 50% तो वो बैलेटिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा जिनकी अमाउंट पेड नहीं है, जो नहीं करवा सके, तो वो अब जो है अपनी अमाउंट 50% के बजाय अगर 75% क्लियर करेंगे तो फिर वो सेकेंड बैलेटिंग में आ सकेंगे। अब फर्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है अवामी ब्लॉक की 4.5 मरला की, तो अब जो फर्स्ट बैलेटिंग में उसके बाद सेकंड बैलेटिंग भी होगी, जिसमें सेकंड बैलेटिंग वालों को 50% क्लियर वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि 50% के बजाय 75% जिसकी अमाउंट क्लियर होगी उनको कंसिडर किया जाएगा, जो कि फेज़ 1 की बैलेटिंग में नहीं आएंगे बल्कि फेज़ 2 की बैलेटिंग में आएंगे। बाकी बात कीजिए जितने ब्लॉक्स की होने जा रही है, अवामी ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, तो इन तमाम ब्लॉक्स में अब ये लोग जो अभी जो बैलेटिंग्स में आ रहे हैं वो लोग फेज़ 1 की बैलेटिंग में जाएंगे। जैसे जनरल ब्लॉक की अभी हो रही है थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैलेटिंग हो रही है, तो उसके बाद जो 6th बैलेटिंग होगी तो फिर वो आएंगे फेज 2 की बैलेटिंग में। इस तरह ओवरसीज ब्लॉक का भी ऐसा ही सीन है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप इसकी सेकंड बैलेटिंग में जाना चाहते हैं तो वो फेज 2 की बैलेटिंग में होगी, बल्कि फेज 1 की बैलेटिंग में नहीं जाएंगे आप। उसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक थर्ड पॉइंट ये भी है अवामी ब्लॉक में कि अब वो लोग, वो मेम्बरान जिनकी फाइल्स की जो है इंस्टॉलमेंट जो नहीं जमा करवा सके थे, उनकी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं थी, इनकी जितनी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट थी, जितनी भी ड्यू अमाउंट थी, वो नहीं जमा करवा सके, तो उनकी फाइल्स पर सरचार्ज लगा दिया गया था सोसाइटी की तरफ से। अब उन्होंने घबराना नहीं है, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। सोसाइटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक उसमें लिखा गया है कि वो मेम्बरान जिनके पास अवामी ब्लॉक की फाइल्स है उसकी इंस्टॉलमेंट उन्होंने नहीं जमा करवाई, तो अगर वो 31 मार्च तक उनके पास टाइम है अगर, तो वो 31 मार्च तक जो है अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवा देंगे, तो फिर उनका जो सरचार्ज जितना भी उन पर लगाया गया है वो क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि उनका जो सर चार्ज उन पर लगाया गया है वो माफ़ कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा जो है 4.5 मरला की बात करें उसके प्लॉट की, तो उस वक्त वो बहुत डिमांड पर है, और सबसे ज़्यादा बाइंग जो हो रही है इस वक्त ब्लूबर्ड सिटी में वो 4.5 मरला प्लॉट की हो रही है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, आप उनसे फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रेट्स हैं बहुत मुनासिब हैं, और 4.5 मरला का जो प्लॉट है इस वक्त आपको 10,80,000 से जो मिल रहा है वो आपको बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है, मुनासिब रेट पर मिल रहा है। तो अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप अब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें।